दोस्तों इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि बादाम हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना गुणकारी है। दोस्तों प्रकृति ने बादाम को नयन की आकृति देकर इसके गौरव को अधिक ऊंचा किया है। वास्तव में बादाम मेवा जगत में नेत्रोपम है। ये शरीर को नव वीर्य प्रदान करता है, नए रक्त का निर्माण करता है तथा मस्तिष्क को अभिनव शक्ति देता है और हृदय को बलशाली बनाता है। औषधि निर्माण में मुख्यतः कागजी बादाम प्रयुक्त होता है। शरीर को पुष्ट करता है। 12 बादाम की गिरी रात को भिगो दें, सवेरे पीस लें, फिर कलई वाली पीतल की कढ़ाई में घी डालकर उसमें पीसे हुए बादाम को डालकर सेंकें। लाल होने से पहले ही आधा पाव दूध डालें, 3 उफान आ जाए तो उतार कर ठंडा करके चीनी मिलाकर पिएं। बादाम की गिरी और सौंफ समान मात्रा में बारीक कूट लें। 1 चम्मच रात को सोते समय ठंडे पानी से लें। इससे स्मरण शक्ति बढ़ेगी, सरदर्द कमजोरी दूर होगी, शरीर पुष्ट होगा, वीर्य बढ़ेगा, दुर्बलता दूर होगी। मस्तिष्क की दुर्बलता दूर करें। 10 बादाम रात को भिगो दें, सुबह छिलका उतारकर 12 ग्राम मक्खन और मिश्री मिलाकर 1-2 माह खाने से मस्तिष्क की कमजोरी दूर हो जाती है। यदि संभव न हो तो 40 दिन तक 7 बादाम मिश्री सौंफ प्रत्येक 10 ग्राम पीसकर रात को गर्म दूध से लेने से मस्तिष्क की दुर्बलता दूर होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है तथा उससे नेत्र ज्योति तेज होती है, चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है। रात भर पानी ना पिएं। यदि ये भी ना हो सके तो 10 बादाम बारीक पीसकर आधा किलो दूध में मिलाएं। जब 3 उफान आ जाएं तो उतारकर ठंडा करके चीनी मिलाकर पिएं। बादाम की गिरी और सौंफ समान मात्रा में बारीक कूट लें। 1 चम्मच रात को सोते समय ठंडे पानी से लें। इससे स्मरण शक्ति बढ़ेगी, सिरदर्द और कमजोरी दूर होगी। नेत्र रोग में लाभकारी। आँख के हर प्रकार के रोग, आँखों से पानी गिरना, आँख आना, आँखों की दुर्बलता, आँखों का थकना आदि में रात को बादाम की गिरी भिगोकर प्रातः पीसकर पानी मिलाकर पी जाएं, ऊपर से दूध पिएं, सब तरह के चक्षु रोग ठीक हो जाएंगे। मासिक धर्म की कमी। 1 बादाम और 1 छुहारा रात को पानी में भिगो दें, प्रातः दोनों को पीसकर मक्खन मिश्री के साथ 3 महीने तक खाएं, मासिक धर्म खुलकर अच्छी मात्रा में होगा। हड्डियों को मजबूती प्रदान करें। बादाम में चूना, लोहा, फास्फोरस अधिक पाया जाता है जो बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाता है और बच्चे शारीरिक रूप से ताकतवर बनते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो लगातार आप तक पहुंचाते रहें। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।